टू माई चैनल। सो आज मैं 8 बजे उठी, आज कल की वजह से थोड़ा जल्दी उठी हूँ क्योंकि जल्दी नींद खुल गई थी। तो अभी हाथ मुँह फ्रेश होके मैंने पूछा मम्मी से, तो कद्दू की सब्जी बना रखी थी तो मुझे कद्दू की सब्जी नहीं खानी थी, तो मैंने सोचा मैक्रोनी बनाती हूँ सबके लिए। सो आज हम बनाएंगे मैक्रोनी बहुत टाइम बाद। मुझे बहुत महीने हो गए ऐसे मैक्रोनी खाए हुए। सो यहाँ मैंने प्याज टमाटर यहाँ पे काट दिया है। गाइस आ गई मैं नहा के, यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया है, साफ़ सफाई भी हो गया। आज दीदी की छुट्टी है तो दीदी ने मोस्टली साफ़ सफाई कर दी थी। मैं नहा के अब करूँगी स्किन केयर और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या काम है। पानी नहीं आया तो पानी भी लाना है और वीडियो भी बनानी थी आप मुझे। देखते हैं क्योंकि बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है। सो स्किन केयर ये सब हो गया है, अभी पहले पानी लाते हैं क्योंकि पानी आ नहीं रहा है, और फिर उसके बाद बनाएंगे वीडियोस और फिर लंच की तैयारी करेंगे। खाना कहाँ है? ददेरे। क्या करो ददेरे? क्रिकेट। सो गाइस अभी मैं एक बाल्टी पानी लाई हूँ और अब मैं इसके बाद बनाऊँगी थोड़ा अपने वीडियोस। और यहाँ पे दीदी आलू की थेचोनी बोलते हैं गढ़वाली में, और आलू का साग हिंदी में बोलते हैं, तो वो बना रही है मतलब उसकी वो कर रही है। तो यहाँ पे सिलबट्टा ये होता है तो उसमें पीसती है, या नॉर्मल उस बेलन होता है ना उसे भी पीसते हैं, मगर इससे थोड़ा स्वाद आता है तो इसलिए यहाँ पे घर के छोटे छोटे आलू ये ऐसे थीच थीच के बना। इसके चिक्कन ही नहीं काट रही, इसी में स्वाद आता रहे आलू के, मुँह पे नहीं आएंगे नहीं। अच्छा हाँ, ये सॉफ्ट सॉफ्ट होते ना घर के, इसलिए छोटे छोटे आलू कर रखे मेरे, बड़े नहीं कर रखे। राज दीदी का बर्थडे है इसलिए छुट्टी ले रखी है और काम कर रही है इतना, करती तो मुझे काट पूजा करके पूरा और ये सब कर रही है। अभी मैं तब से बोल रही हूँ आराम कर नहीं कर रही, बेचारी क्या करे। देर में तुम उठ रहा हो, मुझे कह रहा आराम करो। सो गाइस एक दो वीडियो बनाऊंगी यहाँ पे फटाफट, इससे पहले कि और धूप तेज हो और मुझे और करनी हो। और फटाफट ये है रहा मेरा ट्राइपॉड स्टैंड जो मैं वहाँ से लेके आया हूँ, क्योंकि मैं बड़ा बैग लेके आया था, मैंने सोचा कि किसका काम आएगा यूज़ होगा, तो इसको फटाफट करती हूँ और मिलती हूँ उसके बाद। फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो एवरीवन, सो अभी दिन के 1 बजने वाले हैं, शायद बज गए हैं, पता नहीं टाइम नहीं देखा। तो अभी हम टफी को नहलाने आ रखे हैं यहाँ के धीरे, क्योंकि घर उसको इतनी गर्मी है, डेली नहाना पड़ रहा है और पड़ रहा है, तो हमने सोचा कि यहाँ ठंडे ठंडे पानी से नहाएगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम आए हैं टफी को नहलाने इस ठंडे ठंडे पानी में। शाबाश बेटा, पड़ू पानी, ये तो ठंडे ठंडे पानी से नहा रहा है। ये देखो नेचर में नहा रहा है मेरा टफी। ओके सो गाइस यहाँ पे टफी नहा गया है, अब मैं जा रही हूँ घर। और यहाँ पे हवा आ रही है, बहुत अच्छी हवा आ रही है, पूरे ऐसे ऊपर ऊपर पेड़ों की छाया है नीचे, नाइस, बट थोड़ी गर्म हवा आ रही है। Later that same evening. Hello everyone, good evening. So अभी मैं जा रही हूँ स्कूटी सीखने, और हमको कुछ मार्केट का भी काम है, तो हम वहाँ से मार्केट जाएंगे और कुछ सामान लेना है। और आज दीदी का बर्थडे है तो दीदी के लिए केक भी लाएंगे हम। सो यार थोड़ा ऐसे बारिश वाला मौसम हो रखा, बट मुझे लगता नहीं कि बारिश आएगी। और यार मेरी आँखें अभी भी ऐसी सोई सोई लग रही है, क्योंकि अभी जस्ट सो के उठी हूँ, फटाफट मुंह धुलाया और तैयार होकर अब निकल रहे हैं स्कूटी सीखने के लिए। तो या लेट्स गो। तो भाई भी आ गए थे अभी स्कूटी लेकर, और यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा था तो यहाँ पे मैं थोड़ा प्रैक्टिस करी थी चलाने की, और आई थिंक मैं अच्छा चला रही हूँ। इसके बाद गए हम मार्केट। सो गाइस यहाँ पे तक मैंने थोड़ी स्कूटी चलाई क्योंकि हमको मार्केट के लिए लेट हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि नीचे न्यूटन में चलाती हूँ। सो गाइस लगभग हम मार्केट के पास पहुँच गए, मैंने अपने बाइक को पूरा पैदल चलाया। सो अब हम जाएंगे मार्केट और जो बाकी सामान मम्मी ने बोला है और जो दीदी का केक है वो लाएंगे, और मैं देखूँगी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ऊपर आते समय स्कूटी चलाऊँगी। अभी तो बस न्यूटन में चलाएँ, सुकून दिखा रहा हूँ, दूर है वहाँ से दिखते मैं भी नहीं। ऊपर रोड
ये रहा हमारा रुद्रप्रयाग, सुंदर सा प्यारा सा आर्मी कैंपस, और मैं यहाँ पे बैठ के देख रही थी और मेरा भाई फटाफट दौड़ के गया एक नेकी कोई दुकान थी वहाँ मोमोज और स्प्रिंग रोल पैक करने, और वो उनको बोल भी रहा था कि एक्स्ट्रा मेयोनीज डालना है, वो उसका फेवरेट है मेयोनीज। फिर उसके बाद हम कोमल बेकर गए। फ्यू मोमेंट्स लेटर कंचन बनो ये वाला कलर नहीं छमे हो तब पापा देखो कितने के होंगे कैंपस के ना एक्वालाइट के। दीदी का बर्थडे है तो आज दीदी ये बना रही है, साथ साथ मूवी देख रही है, बस हम मूवी के शौकीन है। तो ये सूजी बनेंगी और पहले कान्हा जी को भूख लगेगा। जो मार्केट से हम पैक करा के लाए थे ये मोमोज और स्प्रिंग रोल पंखे के आगे आराम से मस्त होके खा रहे थे, और ये बहुत टेस्टी थे, मतलब बहुत टेस्टी। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना टेस्टी बन सकता है यहाँ, बट मोमोज बहुत टेस्टी थे और मेयोनीज़ सबसे बेस्ट था, और ये स्प्रिंग रोल भी बहुत टेस्टी हो रहा था। मतलब मैं इतने पता नहीं, मैंने गिने भी नहीं पता नहीं कितने खा दिए थे, और मेरे भाई मुझे घूरा के तो इधर सारे खा दिए। इसके बाद हमने डिनर किया छोले पूरी और ये सूजी, सूजी बहुत टेस्टी थी, आज तो मस्त मज़ा आ गया। इसके बाद हमने दीदी का केक काटा, बट केक आते आते खराब हो गया था। ये जितने साल की दिखती है उतने साल की है नहीं, ये बहुत बूढ़ी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सपना दीदी, खा ले। हैप्पी बर्थडे टू यू।